सादे फार्मर देसी टाइप, उनका आज इंट्रोडक्शन लेते हैं और इनसे पूछते हैं ये इनका एक एकड़ का ऑलरेडी ये इन्होंने प्याज की फार्मिंग करते हैं हर साल, इधर ये प्याज लगाते हैं हर साल। तो आज इनसे पूछते हैं तो की राजा साहब, राजा साहब से पर मतलब टोटल प्रोसीजर 25,000 रुपया लगता है, जब दो गोडियां भी होनी ने रंबी ना, मतलब कि टोटल एक एकड़ पे कितना खर्चा आ जाना तकरीबन 30,000 रुपया, ए टू जेड बी घर की पनीरी तैयार करके सारा करके ते ट्रैक्टर दी हल शल पा के बिल्कुल वाही तक ए टू जेड सारा खर्चा खाद पा के 30 टू 35,000 तकरीबन, 30,000 जे 35 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता 30,000 जनाब। ये अपने फार्मर ने देसी जे ने बिल्कुल ये हर साल एक एकड़ का प्याज का करते हैं, तो तकरीबन जो है ये कि महीने लगना शुरू होता है तो कि महीने तैयार हो जाता है? ये जनाब जनवरी के एंड तो लगता है, जनवरी जनवरी के एंड और तकरीबन फरवरी भी बिच लग तो जा जाता है। अच्छा फरवरी के बच्चे भी काश्त हो सकती है, मौजूदा टाइम में हूँ भी हाईब्रिड प्याज काश्त हो रहा है मौसमी आबोहवा के, तकरीबन जो है कि महीने रेडी हो जाता है? ये टोटली तकरीबन दो तो सवा दो महीने की फसल है। अच्छा ये तो पूरी तैयारी हो जाती है, अढ़ाई महीने लग सकता है, अढ़ाई महीने फल प्याज तैयार होकर फल सहजा होकर जनाब अढ़ाई महीने के क्लियर हो जाता है। तो ये तकरीबन एक एकड़ ढाई महीने बाद कितना प्रॉफिट दे जाता है तकरीबन? ये तकरीबन जे तो प्याज लग जावे तो रेट अच्छा मार्केट बन जावे तो दो दो लाख रुपया भी किला कट जाता है, मैं दो महीने बाद दो लाख आंदा। हाँ जी, तो लेकिन अगर सही है तो रेट भी नॉर्मल रहते हैं, कदम समर लगता है कदम नहीं लगता, अगर मतलब मार्केट हौली भी आवे तो तकरीबन 1.25 लाख रुपया, एक भी ती 1,20,000 इतना कट जाता है, मतलब है कि 30-35,000 रुपया खर्चा पानी का सारा कड़ के लाख रुपया दो लाख दो महीने में एक एकड़ दे जाता है। मेहनत बड़ी शदीद है लाजक जी भाई, मतलब इन समझना पौंदा एक एक लाज लम्हे का। अच्छा मेहनत बहुत है, गोडी का निजाम रंबी दे इस्तेमाल दे रहे, मतलब है कि एक बंदा अगर एक एकड़ करता दो महीने बाद दो लाख रुपया कड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, छोटा जा फार्म बिल्कुल छोटा जा विजिट सी और भाई खुद वीडियो नहीं बनाना चाहते सन, इस वास्ते माजरत वो नहीं आना चाहते सन, बस उन्होंने एक अपना माइंड सी सादा बंदे ने, कहें बस जो इन्फॉर्मेशन लैनी आते कहें कि मोबाइल वाली दुनिया तो सू डर लगता है, लेकिन उस जो खर्चा खर्चात है तुम सारे दस दें। थैंक यू सो मच, चैनल सबसक्राइब कर लो, बैल आइकॉन का बटन दबा लो, इंशाल्लाह छोटे छोटे सैटअप से वीडियो तुम्हें लभदी रहेंगे। थैंक यू सो मच।